أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر لا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزم إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما रबी जिदिन आमीन जा रबीन अल्लाह तजल करम और उसकी ही रहमत के साथ आज हम आयतुल कुर्सी जो सूर्य बकरा की आयत नंबर 255 है उसका थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे और उससे आगे भी चलेंगे इनशा अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे रखे कि हम ये कोशिश जो हमने शुरू की हम इसको मसलसल जारी रखें और हमारे इस कोशिश को हमारी इस कोशिश को दूसरों के लिए भी अल्लाह ताला को हदायत और रहनुमाई और फ़ायदे का सबब बनाए आमीन आलमीन तो चलते हैं आज के सबक की तरफ जैसे कि कल हमने देखा आयतुल कुर्सी उसका मख्तसर उसका सिर्फ तर्जमा हमने करा कल पढ़ा था उससे पहले जो दो आयात तीन आयात देखी थी उनको अगर मख्तसर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कहा तीसरे पारे के शुरू में आयत नंबर टू फिफ्टी थ्री है कि अल्लाह ताला ने बाज नबी को बाज नबियों पर बाज़ मामला में कुछ फजिलियतें दी और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको जिनके साथ अल्लाह ताला, ताला ने कलाम किया और हजरत ईसा इब्ने मरियम उनके उनके लिए खुली निशानियाँ उनको खुली निशानियाँ दीं और रूह अमीन या जबरील अमीन जो हैं वो उनकी मदद किया करते थे और अगर अल्लाह चाला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते झगड़ते लेकिन उनका आपस में लड़ना झगड़ा यानी पिछली जो कौम जो नबी आए पिछले रसूल जो है उनकी जो कौमें हैं उनके बाद उनके रसूलों के गुजर जाने के बाद वो आपस में लड़ती जड़ती थी और उसकी वजह यही थी कि, कि कुछ लोग उसमें ईमान पर थे कुछ लोग हक पर थे और अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला ने तो इरादा जो है उसका अख्तियारख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को दिया और इस इख्तियार को यूज़ करके ही एक्चुअली वो आपस में लड़ते झगड़ते थे और उस अख्तियार का मतलब ये था कि तुम्हें सही रास्ता भी बता दिया और गलत रास्ता भी मैंने हदायत भी और गुमराही भी दोनों रास्ते खुले बैंन करके बाजे कर दिए और उसका अख्तियार दे दिया इंसान को कि जिस रास्ते पर चलना चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक और जब वो दो मुख्तलिफ रस्तों पर चले तो उनके दरमियान अख्तिला भी हुआ तो उसके बाद हमने दोबारा आयत नंबर टू फिफ्टी फोर में पढ़ा कि अल्लाह तिर खर्च करने की अहमियत जो है उसको यहाँ पर बयान किया खर्च करने के यहाँ पर कहा आपने रिस्क में से खर्च करो और रिस्क कल थोड़ा सा फिर जिक्र हुआ कि रिस्क जो है अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च करना वो सिर्फ माल ही नहीं माल क्योंकि एक मादी लिहाज से बहुत अहम और बहुत वाज चीज़ नजर आती है लेकिन सिर्फ माल ही नहीं माल के अलावा जो जो कुछ आप खर्च कर सकते हैं अल्लाह के रास्ते में अपनी ताकत अपने इस्तात के मुताबिक तो उस सब को खर्च करें ताकि आप दुनिया में भी आपको नफ़े हासिल हों और आखरत में भी वो वो जो रिस्क आप खर्च करते हैं अल्लाह पर अल्लाह के रस्ते में वो आखरत में भी आपका आपकी निजात का सामान बने तो और रिस्क के साथ अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि रिस्क को खर्च करो रिस्क को खर्च करो ये ना हो उस दिन के आने से पहले रिस्क को खर्च करो उस दिन के आने से पहले कि जिस दिन कोई सौदेबाजी नहीं होगी और कोई किसी के काम नहीं आएगा यानी अपनी मौत के वक्त से पहले पहले जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हो वो करो और और काफिर जो है हकीकत में कुफर करने वाले इनकार करने वाले हकीकत में तो वही ालम है अब आते हैं आ, आगे आते हैं कुर्सी की तरफ तो कुर्सी का तर्जमा हमने कल पढ़ लिया था उसकी उसकी कुछ फ़जाइल जो है वो भी हमने देखे अल्लाह ताला ने इसमें कितनी फ़जीलत रखी और उसके बारे में कुछ तफसील भी कल ज़िक्र हुई मुख्तसर अल्फाज में तीन जो बड़ी फज़ीलतें आयत-ul-कुर्सी की कल जिनका ज़िक्र किया गया उनमें से एक तो ये है कि सुबह शाम के अज़कार सुबह नमाज के बाद और शाम के वक्त जो सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ता है शाम तक वो शैतान से और उसके शर से महफूज रहता है और जो शाम को आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो सुबह तक शैतान और उसके जो शर और वसवसे और जितने भी उसके गुमराहियों के काम हैं अल्लाह ताला उनसे महफूज रखता है दूसरा जो हमने पढ़ा कि रात को सोने से पहले कुर्सी अगर पढ़ ली जाए तो एक फरिश्ता मुकर कर दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर हो जाता है जो सुबह तक उस बंदे की और उसके जितने भी मालूमता या जितने भी उसके अहल वयाल या उसके मुतलक जितनी चीज़ें हैं वो उनकी हिफाज़त हो आ, मतलब होती है हो जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मामूर कर दिया जाता है उसकी हिफाजत के लिए और तीसरा हमने पढ़ा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुलकरसी जो हमेशा फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है बहुत अच्छे तरीके से नमाज अदा करता है और नमाज के बाद मुसलसल वो कुर्सी ज़रूर पढ़ता है तो जैसे ही उसको मौत वारद हुई वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा ये भी हदीस मुबारक थी अलैहि वसम तो ये तीन बड़े बड़े फ़जाइल और ये तीनों फ़ाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है अगर हम इसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ आयतुलकुर्सी को दूसरे मामूल और दूसरे नकाम के साथ तो इसके थोड़ी सी वजाहत या थोड़ी सी समझ बूझ हासिल की कोशिश करते हैं आज इनशा कि क्यों इस सूरह को इतने फ़ज़ाइल दिए गए और क्यों इस सूरत में इतनी इतनी, इतनी अजमत जो है वो पिन्हा है तो देखते हैं हम इनशा आउजब अल्लाह ला अल्ला हुआ अल्लाह कोई मबूद नहीं इसके सिवा अल्लाह तो वो है जिसके सुबह कोई मबूद नहीं अब हमें ये जहन में रखना है कि जब जब भी हम जिक्र करते हैं जब भी हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं उसका शुक्र अदा करते हैं और उसको याद करते हैं तो इसका मतलब दो चीजें एक तो ये कि अल्लाह के इनकार करने वाले जो हैं उनसे हम बरात उनसे हम बेजारी का इजहार करते हैं उनके अगेंस्ट उनको हम रद्द करते हैं पूरी तरह से जो अल्लाह का इनकार करते हैं और दूसरा जो कुछ हमें पता है हमारी इस्तात के मुताबिक हमारे इल्म के मुताबिक अल्लाह की जो जो या अल्लाह का जो, अल्ला जो रुतबा है हम उसको बयान करने की कोशिश करते हैं अगर अगरचे के अल्फाज के जरिए हम अल्लाह ताला की बड़ाई जो है वो इतनी बड़ाई है उसकी इतनी बुजुर्गी और इतना बुलंद शान है कि अल्फाज से उसको करना मुमकिन नहीं लेकिन फिर भी अल्लाह के जिक्र में हम उसको बयान करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि उसका हमें कुछ फ़ायदा भी मिले और अल्लाह तला यकीन उसका फायदा देता है तो ये दोनों पहलू जो हैं, वो होते हैं अल्लाह के जिक्र के और इस आय की अजमत में भी आपको ये दोनों पहलू मिलेंगे और हकीकत में दर हकीकत ये आयत जो है आयतुल कुर्सी, जैसा कि कल जिक्र हुआ कि ये तमाम आयतों की कुरान की सारी आयतों की सरदार है सब आयतों की ऊंची है तो आयतुलकरसी दर हकीकत अल्लाह का इंट्रोडक्शन है अल्लाह का तारफ़ है अल्लाह तला क्या है ये खासकर हमें जानने के लिए और मुशरिक लोग जो हैं उनको उनके 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 जितने भी उनके अफकार हैं जितने भी उनके अकीदे हैं उनको रद्द के लिए ये सारी चीजें जो है ये अल्लाह ताला ने कुछ कुछ बयान की इससे पहले आयतुल आयात हमने पढ़ी थी आयतलआयात में भी देखा था हमने कि अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी निशानियाँ जो है वो हमें वाजे की थी उस वक़्त के ज़मीन और आसमान में और दूसरे तीसरे बहुत सारी अल्लाह ताला की निशानियाँ जो हैं वो थी तो ये अल्लाह ताला की जात जो है उसके मुतल उसका इंट्रोडक्शन सूर्य अखलास हम हम सब को पता है कुल्ल अहद जो है वो अल्लाह ताला की की सूरत है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है ये इस आयत को उसकी एक्सप्लेनेशन भी कहा जाता है बहरहाल बढ़ते हैं अल्लाह अल्ला अल्लाह तो वो है अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं अब जो भी अल्लाह की तरफ रजू हुआ उसने सबसे पहले इस चीज़ का जिक्र किया कि मैं अल्लाह के अलावा किसी चीज़ को मबूद नहीं समझता सबसे पहले तो काफरों पर जो मुशरक़ हैं उन पर यह बात वाज हो गई कि उनके जो घड़े हुए बुद्ध उनके जो मन गर्द किस्म के देवता देवताएं हैं या जो भी हैं वो सब बेमानी और बेहसीत हैं तो वो सिर्फ मट्टी के या चटान के या पत्थर के पुतले ही, ही हैं उसके अलावा उनकी कोई औकात नहीं तो इबादत के लायक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है और फिर हम जब जिक्र करते हैं कि अल्लाह ही मबूद है तो इसका मतलब जितनी भी मदद जितनी भी बंदगी है जितनी भी इबादत है वो सब अल्लाह ही के लिए है और जितनी भी मदद है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से तलब की जा सकती है और जितनी भी मदद आती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आती है तो एक तो ये हमारे ऊपर वाजह हो गया कि अल्लाह ही है जो सबका मबूद है उसके सवा कोई माबूद नहीं उसी की इबादत की जा सकती है उसके अलावा किसी की इबादत मुमकिन नहीं जायज़ नहीं सब हराम है और उसके अलावा किसी से मदद तलब करना वो सब नाजायज़ है सब हराम है सिर्फ <usallu's> और सिर्फ अल्लाह ही है जो मदद को सुन सकता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है जो मदद आ, करता है और कामयाबी और नुसरत और दुनिया में भी और आख़रत में भी वो सब अल्लाह ही की तरफ से आता है इसके बहुत वसी मानी है इसको मुख्तर अल्फाज में इतना ही रहने देते हैं अभी आज इन इसकी इस इस टॉपिक पे कुछ और भी आयात आएंगी तो इस पर मज़ीद थोड़ी सी डिस्कस करेंगे अह्यू अकयूम अल्लूम वो ज़िंदा है और कायम रखने वाला है ज हयात हयात का हमें पता है जिंदगी है लेकिन अल्लाह ताला अपने लिए कहते हैं कि अलहय वो जिंदा वो हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा बाकी जो जितनी कायनात की जिंदगी है वो सब तखलीक की गई जो सब वो सब अल्लाह ताला ने तखलीक की अल्लाह की मखलूक है जो जो हम हमारी जो ज़िंदगी है वो दर हकीकत जिंदगी नहीं वो आर्जी जिंदगी है आर्जी जिंदगी क्या बल्कि हम तो रोज मरते हैं और हम तो रोज जीते हैं नींद जो है उसको मोट की छोटी बहन कहा जाता है ये तो आप सबको पता ही है और अगर आप सोने की और जागने की दुआएं पढ़ें तो उससे हमें बहुत वाजे पता चलता है ख़ासकर जब सुबह उठने की जागने की ये दुआ है सुबह जी सु अल्हमदिल्लाजी आहशियानाबाद अमातना वही शुरू के हम अल्लाह का अल्लाह का अल्लाह का शुक्र कि जिसने हमें जिंदा किया मौत के बाद तो नींद जो है वो तो मौत की छोटी बहन है तो इसके अलावा जितनी भी कायनात में अशिया है नंबर एक जितने भी जीरो हैं चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो मुर्दा हैं चाहे वो कायनात के जितने भी इजसाम हैं जानदार और बे जान सब सब के सब उनको हयात दी गई उनको पैदा किया गया अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया और वो सब के सब फना भी होने वाले हैं ठीक है तो ये सब जिंदगी जो है ये जिंदगी दूसरों के लिए लेकिन अल्लाह की जिंदगी वो है अल्लाह जो है वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा अलहज से हयात जब अब हज कहेंगे तो ये कोई भी हो सकता है इसका नाम भी हो सकता है जैसे अब्दुल हाइज करके अंदर इस, ऐसा इस, नाम भी है लेकिन अल अलइज का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी अल अलूम जो कायम रखने वाला है अब ये कायम रखने वाला कहने को ये एक लफ्ज है लेकिन इसकी इतनी वसत कि इसके ऊपर घंटू लेक्चर दिया जा सकता है लेकिन मैं मुख्तसर अल्फाज में अगर न, न, कोशिश करूँ तो कि अल्लाह ताला हर चीज को कायम रखने वाला है इस दुनिया में जितने नबातात हैं जितने जमादात हैं जितने रूह इंसानी हैं जितने मामलात हैं जितने निज़ाम हैं अल्लाह ताला हर हर निज़ाम को हर हर लाइफ साइकिल को अल्लाह ताला कायम रखने वाला है अगर हम दो पहलू हैं हम हम एक इंसान का जिसम जो खड़ा है अगर मैं उसको दो पहलुओं की तरफ इशारा करूं, एक पहलू है जो आंख के बाहर है जो आंख के बाहर मतलब एक आम आंख देख सकती है वो आम आंख क्या दे सकती है हमारी सराउंडिंग को देख सकती है हमारी ज़मीन को देख सकती है दूसरी दूसरे इजाम को देख सकती है वो सब चीज़ें उसके बाद एक ऐसी जमी ऐसी वसुत है जिसको इंसान की आंख जो है वो अपनी आंख से नहीं देख सकती आप स्पेस में चले जाओ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस लाइट ईयर और लाइट ईयर जो जिक्र हुआ तो नूरी साल के एक साल में रोशनी जितना सफर करती है वो एक नूरी साल है और ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियंस खरबों नूरी साल के फासलों पर दूसरे इजिसाम हैं और उनका आपस में रब्त और उनकी आपस में जो अ, मतलब उनका सिस्टम जो है वो छोटी सी मिसाल जो आम फहम जो है हमारा सोलर सिस्टम जिस निजामे شمسی जिसको कहते हैं सूरज है उसके गिर्द नौ जो सितारे हैं और इन सितारों का या उन उन का चांद है जो उनके गुर्द घूमते हैं और पूरा एक सोलर सिस्टम जो है ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल कह लो कि मतलब बिल्कुल जायका चखने के लिए एक हल्का सा नमूना है अल्लाह ताला की हमत और कदरत का कि किस तरह से उसने इस पूरी कायनत के निज़ाम को कायम रखा और उसके बाद अगर दूसरे पहलू की तरफ आए जो आप मैंने कहा कि आग, आ, 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 मतलब आंख के बाहर हमारी ज़ाहरी जिंदगी अब आंख के पीछे अगर चले जाएँ तो उसका मतलब यह है कि छोटी चीज़ें जो छोटी आंख के आगे की चीज़ें जो बड़ी हैं जो हुजम में बहुत बड़ी हैं हुजम में बहुत वसी है अब उससे छोटी चीज़ों की तरफ आ जाए तो छोटे से छोटे चीज़ें जो खुलियात हैं खुलियात के अंदर सेल्स हैं सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर जो आ, मतलब पार्टिकल्स हैं आ, दाते हैं दाँतों के आ, आ, जो उसको मरक्बात कहते हैं हम उनको उसके बाद आइटम है आइटम से भी छोटी चीज़ें हैं और खुरदबीन के साथ जो हम खुरदबीन के साथ देखते हैं पहली जो जिक्र हुआ दो दूर दूरबीन के साथ देखते हैं जो वसी कायन की तरफ है और दूसरी तरफ अगर आ जाए तो उसको हम खुरदबीन छोटी चीज़ों को जो बड़ा करके देखा जाता है तो वो भी इतनी इतनी छोटी चीज़ें हैं जितनी हम तसवर भी नहीं कर सकते और एंड रिजल्ट क्या है आज तक हमें ना ही पहले पहलू की तरफ ना ही दूसरे पहलू की तरफ आज तक हमें हद नज़र नहीं आई कि अल्लाह की हद क्या है हम किस हद तक जा कर उसके मतलब वसत का अंदाज़ा कर सकते हैं या इसकी हद क्या है यानी मैं अगर समझा पा रहा हूं कि बड़ी चीजों की तरफ जाएं तो उसकी वसुत इतनी है कि उसकी हदें हमारी हमारी समझ से और हमारी अकल से और हमारी फहमों से बाहर है हमारी पहुंच से बाहर है और अगर छोटी चीजों की तरफ चले जाएं तो उसकी चोटी इतनी बारीक है कि उसकी च, उसकी, जो, उसकी जो मतलब छोटा होने की बारीक होने की जो हद है उस तक भी हम आज तक नहीं पहुंच सके कुछ साल तक तो, दस बारह पंद्रह साल तक पहले तक ये एक साइंस का था ओपिनियन था कि शायद वो आज, एटम जो उन्होंने दरियाफ्त किया है एटम जो है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो वो सबसे छोटा ज़रा है उससे छोटा या उसको तकसीम नहीं किया जाता है जा सकता है ये पच्चीस तीस साल पहले तक था लेकिन उसके बाद तो उसको भी तोड़ के उसके भी अंदर कितने अचराम और कितनी किस्म के मतलब जो ज़र्रात हैं वो पाए गए और सुबहाना अभी तक उनको ये समझ नहीं आए कि हम कितनी कितनी गहराई तक और जा सकते हैं तो ये सारे के सारे निज़ाम जो हैं उनको कायम रखने वाला है अल्लाह ताला जो ज़िंदा है और जो कायम रखता है और यहाँ पर यह भी ज़िक्र कर चलूँ कि अगर किसी भी निज़ाम में चाहे वो बड़ा वसत वाला है चाहे वो छोटा है किसी भी एक निज़ाम में ज़रा सा ख़ल पड़ गया तो ये पूरी रोए कायनात जो है ये तबाह बर्बाद हो सकती है या हो जाएगी ठीक है तो इस पूरे के पूरे निज़ाम को कायम रखने वाला अल्लाह ताला है ये इस आयत की आजमत कि अल्लाह ताला ने इसमें कितनी बड़ी निशानियाँ और कितनी बड़ी हमतें और अजमतें अपनी बयान की कि वो कैसे जिंदा है उसने सबको पैदा किया और ना सिर्फ सबको पैदा किया बल्कि उसको वो कायम भी रखता है लाता खुजुहू सीना तुम वाला नॉम नहीं पकड़ती उसे कोई ऊँग और ना ही नींद अब नींद और ऊंग जो है वो हमारी जिंदगी तक महदूद है अल्लाह ताला के लिए नींद और ऊँग के मतलब का किसी किस्म की कोई चीज नहीं वो तो सब हर चीज का पैदा करने वाला है यहां तक कि मैं अगर कहूं कि नींद को भी तख्लीक किया गया नींद को भी पैदा किया गया कि क्योंकि अल्लाह के साथ नींद तो है ही नहीं और ना ही कोई उंग या अंगड़ाई है ठीक है तो जब इंसान को पैदा किया जब कायनात को पैदा किया तो उसके आसानी के लिए उसके आसमाय उसके आसाइश के लिए उसको आराम देने के लिए नींद और ऊं को भी पैदा कर दिया जिससे वो इंसान का जिसम जो है जो भी वो मतलब सारा दिन काम करता रहता है उसको आराम की जरूरत रहती है लेकिन अल्लाह ताला उसको तो ना तो ना तो नींद और ना ही ऊंग दोनों ही उसके करीब नहीं लहू मेरा ख्याल है ये बहुत वाजह है आप सबके लिए लहू माफिस समावादी वाह उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है इसका थोड़ा सा तस्करा हुआ अलकयूम के सिलसिले में अलकयूम की एक्सप्लेनेशन में कि आसमानों की वसत कितनी और ज़मीन की वसत कितनी यानी जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं वो आप उनको छोटा करना चाहें माइक्रोस्कोप की तरफ आ जाए खुरदबीन की तरफ तो इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो भी हमारे हता, हमारे हाथे से बाहर है लेकिन वो सब कुछ अल्लाह ही का है जो जितना भी इस कायनात में है वो सब का सब अल्लाह ही का है मंजल्लाजी यशफाऊंदू कौन है जो सिफारिश करे उसके पास किसकी जरूरत है कि वो सिफारिश करे उसके पास ज नहीं मास उसके एल्म के इल्ला नहीं, मा उसकी इजाजत के मगर उसकी इजाजत के साथ कौन है जो उसकी जो किसी की सिफारिश करे उसके पास मगर उसकी इजाजत के साथ ठीक है इस आयत का अगला हिस्सा भी पढ़ते हैं ज्यादा वाजे हो जाएगा या आलम वो जानता है माँ बैना आई जो उनके सामने है वह माँ खल्फाहम और जो उनके पीछे है अब यहाँ पर शफात का जिक्र हुआ कि किसकी जरूरत है कौन है जो अल्लाह ताला के सामने किसी की शफात करे शफात करे या सिफारिश करे अब सिफारिश क्या होता है सिफारिश दर हकीकत एक गवाही है मुझे मतलब आपने किसी भांजे को भाई को या किसी दोस्त को जॉब दिलानी है तो मैं किसी अपने दोस्त को उस दोस्त को अपने बॉस के पास ले जाता हूं मैं उस बॉस को कहता हूं कि ये मेरा दोस्त है इसकी ये क्वालिफ़िकेशन है इसकी ये मतलब स्किल्स हैं इसका ये एक्सपीरियंस है ये मतलब बड़ा अच्छा काम करेगा और उसकी मैं तारीफ़ करूँगा मैं बॉस जो है मेरा उसको सेटिस्फाई करूँगा बॉस मेरा अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो उसको जॉब दे देगा मैंने अपने दोस्त की सिफारिश की अब इसके दो पहलू हैं एक तो ये है कि मैंने सिफारिश की एक तो मैं हूं और दूसरा जिसको जिसकी सिफारिश कर रहा है वो दो अब ये दो, मैंने उसकी सिफारिश के सिलसिले में अपने बॉस का जो फैसला है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की अपने बॉस के जो फैसला है उसको मैंने चेंज करने की कोशिश की या उसके उसको मैंने ओपिनियन बनाने की कोशिश की मैंने अपने बॉस की माइंड जो है उसको डेवलप किया कि ये 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 मेरा दोस्त जो है इस नौकरी का अहल है इसको ये नौकरी दे दी जाए ठीक है अब मेरा बॉस जो है वो मेरी बातों से मुतासर होकर हो सकता है कि मेरे दोस्त को जॉब दे दे लेकिन किसकी जरूरत हो सकती है कि अल्लाह के सामने कोई इस तरह की सिफारिश करे क्यों कि अल्लाह कहता है कि वो जानता है अल्जियालफाहम वो तो जानता है उनके सामने और उनके पीछे सफारश करने वाला भी और जिसकी सिफारिश की जा रही है उसकी भी वो तो उन सब के आगे और पीछे को जानता है सबके जाहिर और बातन को जानता है सबके जाहिर और पोशीदा को जानता है वो क्या अमाल करते हैं क्या छुपाते हैं क्या जाहिर करते हैं उन्होंने क्या किया कैसे किया कब किया किस नीयत से किया हर जाहरी और बातरी चीज तो अल्लाह ताला जानता है तो अब हर चीज को जानने वाला जो है उसके उसको कैसे मुतासर किया जा सकता है उसको कैसे मिसगेइड किया जा सकता है अगर मेरा बॉस जो है वो किसी एक ब, मेरे दोस्त के बारे में ऑलरेडी जानता है कि उसका किरदार कुछ सही नहीं है या उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है या उसकी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज का उसको पता है तो फिर तो वो हो सकता है कि मतलब अपना ओपिनियन जो है वो ना बदले लेकिन अल्लाह तला तो हर चीज़ को जानता है अल्लाह के इल्म के हाथे में कोई चीज़ से बाहर कोई चीज नहीं तो अल्लाह तला के इल्म को सामने रखते हुए किसकी कोई जरूरत है के वो किसी की सिफारिश कर सकेगा हाँ अलबत् अगर अल्लाह तला किसी को कुछ इजाजत दे अल्लाह तला ने शिफात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का जिक्र है अदीस में वो अलग से एक टॉपिक है लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तला के हुक्म अल्लाह तला की, अल्ला की इजाजत और अल्लाह तला की मर्जी उसमें शामिल है उसके बगैर वो भी मुमकिन नहीं तो कौन है जो अल्लाह ताला के सामने किसी की किस सिफारिश करे जबकि अल्लाह ताला तो हर एक का सामना और पीछा जाहिर और बातन तो अल्लाह ताला हर एक का जानता है वला युहीतूना और नहीं वो सब इहाता कर सकते बिशै इन किसी चीज का मिन हलम ही इसके इल्म से इल्ला बिमाशा मगर उसका जो जो वो चाहे अब ये बहुत अहम हिस्सा है आयत का कि वो अहाता नहीं कर सकते किसी चीज का उसके इल्म में से मगर उसका जो वो चाहे अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी कि जिसका कोई अहाता मुमकिन नहीं जिसका कोई अहाता मुमकिन नहीं हाँ अलबत् अगर उस इल्म में से अल्लाह ताला किसी को कुछ अता कर दे तो वो उसकी मर्जी है यहाँ पर आमतौर पे म ग़ैब जो है उसको उस उसकी मतलब उसकी बैकग्राउंड आती है कि इल्म गैब क्या होने वाला है कैसे होगा कब होगा कहाँ होगा जो फ्यूचर की बातें हैं जो ग़ैब की बातें हैं जो ग़ैब का इलम है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है अल्लाह के सवा कोई शख्स कोई जात इस पूरे रोए कायन में वो अल्लाह तला के इल्म का अल्लाह ताला के गायब के इल्म का अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती हाँ अलबतः अगर अल्लाह ताला अगर किसी को कोई इल्म अता कर दे तो अब यहाँ पर बहुत से मिस, हैं गैब के बारे में बहुत सारी मिसकनशन पाई जाती हैं खासकर कुरान में भी बार बार आया उसकी उसकी जो है मतलब वजाहत की गई उस वजाहत के बावजूद मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा उस वजाहत के बावजूद बहुत सारे जो लोग हैं उनमें ये 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 ओपिनियन पाया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब था तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पर कहा कि अल्लाह के नबी जो है नबी के नबियों के पास भी जो गैब का इल्म अगर है तो वो भी अल्लाह ने उनको जितना दिया तो ये आयत जो है आयत का ये हिस्सा बहुत वाजह है कि अल्लाह ताला के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता मगर अगर अल्लाह ताला किसी को थोड़ा सा को इल्म में से थोड़ा सा दे दे सिर्फ वहां तक महदूद अब उसकी बेस पर कोई अगर ये कहे कि उसने कोई इल्म गैब आ गया तो वो मुमकिन नहीं वसिया और वसी है गेर रखा है वसिया और वसत वसत से या वसा वसत से ये वसिया है वसी है गेर रखा है कुर्सी यूहू उसकी कुर्सी ने आसमानों को वल अर्जी और जमीन को अब ये कुर्सी जो इसमें वर्ड आया है इस, इसी से इसका नाम आयतुल कुर्सी है वसी कर समावती वालर्ज गेर रखा है उसकी कुर्सी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को अब कायनात की वसत का तो अंदाज़ा हो गया हमें जब वसी मानों में जाएं तो उस वक़्त भी और जब उसको सुकेड़ने की तरफ आए छोटी चीज़ों की तरफ ज़मीन के अंदर ज़मीन से भी छोटी छोटी जितनी चीज़ें हैं उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और मतलब खलियात हैं और जितने भी छोटे इजाम हैं वो सब के साथ पूरी कायनात आ गई वो पूरी कायनात को अल्लाह ताला की कुर्सी ने घेरे रखा है अब ये कुर्सी जो है इसके उलमा जो है वो कहते हैं कि इसका मतलब कुर्सी से मतलब कोई कोई आम कुर्सी जिसका जो आम फहम में कुर्सी मुराद लिया जाता है वो भी हो सकता है लेकिन माजल्ला हम उसका किसी सूरत में भी कोई नक्शा अपने जहन में या किस कोई छबी उसकी नहीं बना सकते कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कैसी कुर्सी है कहाँ है वो क्यों है क्या क्या मतलब कितना उसका हजम है किस तरह से उसकी हजियत है वो माजल्ला हमारे लिए मुमकिन नहीं क्योंकि हम किसी भी तरह से तशबी करेंगे तो वो वो हम हमें हदायत से दूर कर देंगे लेकिन इसका जो ज़्यादा जो मानी जो तफसीर या एक्सप्लेनेशन है वो ये है इसकी इसकी असलाह जो है या इसके मानवी मतलब जो है मानवी लिहाज से इसको देखा जाए कुर्सी जो है कुर्सी बादशाहत और बादशाहत और पोजीशन और इख्तियार उसका भी नाम है हम आम आम अल्फाज में भी आम यूज करते हैं कुर्सी बादशाह बादशाह के पास कुर्सी बादशाहत है बादशाहत के लिए भी यूज होती है ये किसी बड़े के लिए भी यूज होती है ये कुर्सी जरूरी नहीं कि फिजिकली कोई लकड़ी से बनी हुई है स्टील से बनी प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सी है कोई इसका जो असलाही मफहम है उसमें उसकी बादशाह भी मतलब आ जाती है कि बादशाह है बादशाह ही उसकी उसका आ, क्या कह सकते हैं उसका रुतबा भी आ सकता है उसका इख्तियार भी आ सकता है उसकी सल्तनत भी आ सकती है तो ये सारी चीजें जो है ये ज्यादा जू मानी है असायद के हवाले से कि उसकी बादशाहत जो है उसकी उसका जो रुतबा है उसकी जो सल्तनत है उसकी जो उसकी जो मतलब जो जो उसकी पोजीशन है वो सब इतनी बड़ी और इतनी वसी है उसकी बादशाहत इतनी वसी है कि उसने पूरी कायनात को घेर रखा है पूरी कायनात को आप, आपने घेरे में लिया हुआ है इतनी उसकी बड़ी और इतनी उसकी वसी बादशाहत है कि उसने अपनी पूरे आसमानों को और जमीन को घेरे में ले रखा है और आसमान का थोड़ा सा पहले जिक्र हुआ था कि आसमान हमें दिन के तब तो नीली सी चादर नजर आती है रात को जब हम देखेंगे आसमान जो काला नजर आता है उसमें कई सितारे सितारे हमें तो नजर आते हैं और हम तो एक आसमान की वसुत को अभी तक नहीं पहुंच पाए एक आसमान की वसत भी आज तक हमें नहीं समझ आई कि ये हमारी जो अपने सफ़ेर से या अपने ज़मीन के सर्कल से बाहर निकले तो हमें जो सामने जो आसमान नजर आता है काला या ग्रे कलर का तो उस वो कहाँ तक उसकी याद है तो ये तो अल्लाह ताला आसमानों की बात कर रहा है तो उसकी वसत कितनी है उसका भी अंदाजा करना अहात करना हमारे लिए नामुमकिन है वला याऊदू और नहीं थकाती उसे वला याऊद हो और नहीं थकाती उसे हिफ्ज उन दोनों की हिफाजत यानी आसमानों की और जमीन की हिफाजत और दूसरे मानों में पूरे कायनात की हिफाजत यानी पूरी कायनात की हिफाजत से वो थकता नहीं उसके लिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है ये पूरी कायनात के उसका थका दे तो इन दोनों की चीज हिफाजत जो है वो उसे थकाती नहीं बहू अजीम और वो बहुत बुलंद और बहुत अजीम अजमत वाला है वो बहुत बुलंद मुकाम है और बहुत आजमत रखने वाला है सबसे ज़्यादा बुलंद और सबसे ज़्यादा आज़मत वाला सिर्फ अल्लाह ही है अल्लाह की जात ही है तो आ, सुभान अल्लाह के मैंने समझा था कि शायद दस मिनट लूँगा सिर्फ इस इस आयत को थोड़ा सा ज़िक्र करने में लेकिन पता नहीं हर लफ्ज़ जो है वो वही इतना मानी रखता है और मेरी जो छोटी सी जो अस्तात है उसमें मुझे जो समझ आया या जो, जो मैंने बहुत सारी तफासिर सुनी और उसके अलावा कुछ कुछ आम अल्फाज जो मेरे पास थे मैंने कोशिश की कि उसमें से कुछ बयान कर सकूं लेकिन यह है कि उसके बावजूद अगर इसको मजीद एक्सप्लेनेशन करें तो कई और घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि मैंने कहा कि कुछ अल्फाज ही ऐसे हैं को एक लफ्ज़ नहीं होता बल्कि पूरा एक स्कूल ऑफ थाट होता है पूरी एक पूरा एक कह लें कि पूरा एक करिकलम है पूरा एक निज़ाम है उसका तो अल्लाह ताला ने मतलब इतने मुख्तसर और जाम अल्फाज में इतनी बड़ी बड़ी और मतलब वसी निशानियाँ हमारे सामने खोल के रखी कि जिनका कभी कभी अहाता करना ही मुमकिन नहीं होता तो आज फिर इनशाला यहीं तक रुकते हैं कल इनशा आगे पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानू में समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे और अगर हमें कोई भूल चुक है या हमारे कहने सुनने में अगर कोई कमी बेशी है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए और उसके बदले में हमें सही फ़हम जो है वो अता फ़रमाए इलाहा इल्ला का रबाति व अल्हदिल्लाबिन इलैक ये अगर किसी को कुछ कहना है ऐड करना है तो चलें अगर नहीं है तो मैं एक छोटा सा रिमाइंडर भी यहाँ पर देना चाहता हूँ आपको कि आपको पता है कि शाबान जो है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह दस शाबान हो गई है यहाँ पर कतर में गल्फ़ में दस है हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो नौ शाबान होगी आज और बीस अठारह बीस दिन रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में तो हमारा पहले तस्करा हुआ था रमज़ान के सिलसिले में तो रमज़ान की तैयारी जो है उसको आप शुरू करें आ, कोशिश करें कि जितने आप रोज़े रख सकते हैं इस शाबान के महीने में वो रोजे रखें उसके अलावा अगर अगर तो कोई कोई मेडिसन्स पे है किसी किस्म का कोई कोई हेल्थ का इशू है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसको आप देख लें उसके अलावा मतलब आजकल ये कोरोना की वबा के सिलसिले में बहुत सारी फैमिलियाँ है जो हैं वो भी परेशान हैं तो आप ये ज़रूर अपने बजट में रखें कि किसी की हेल्प करनी है या किस तरह से किसी की मदद करनी है ज़्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं उसके अलावा आमतौर पर जकवात जो है वो रमज़ान में ही अदा करते हैं तो जकवात का हिसाब किताब करें अपने बजट को री करें अपने प्रोग्राम जो हैं मेन्यूज जो हैं ख़ास कर जो हैं खुत नहीं मर्द भी शामिल हैं यकीन उसमें कि मर्दों की फरमाइशें भी आमतौर तो पर होती हैं तो मर्द हजरात और ख़वान जो हैं वो अपने मेन्यूज़ को भी डिस्कस करके थोड़ा सा उसको शॉर्ट करें और कोशिश करें कि जितना अगर आप जितना अगर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाते थे उसमें से कुछ गरीबों का हिस्सा निकलाए तो उसको सादगी भी अपनाएं क्योंकि नबी के सल्लम की सन्नत जो है वो सादगी के साथ है और वो तो सिर्फ और खजूर या पानी के साथ ही रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे तो उसके अलावा अपना रमज़ान को कैसे गुजारना है उसके बारे में ज़रूर थोड़ी सी सोच विचार करें इसी शबान के ज़रिए शाबान के महीने के अंदर अंदर और ख़ास कर कुछ रोजे जितने मुमकिन हैं वो रखें ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए और आपको जहनी और जिसमानी तौर पर भी आप तैयार हो जाएं तो अल्लाह ताली हमें हिम्मत और तोफीक दे कि हमारा आने वाला रमज़ान जो है वो पिछले रमज़ान से बेहतर हो और हमारा हर आज जो है हमारे हर गुजा कल से बेहतर हो इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ तो कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर खिदमत होंगे तो हम सब को दुआओं में याद रखें हम सब के कुछ ना कुछ मसाइल हैं तो अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को पूरे उम्मत मुस्लिमा को और जितने भी हमारे अहबाब हैं उन सब को दुआ में युजु याद रखें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें अपनी हदायत और रहनुमाइयाँ भी नसीब फरमाए आमीन जारबल आलमीन سبحان ربي كرب العزات يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته